अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और मैं हूँ अहमद। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो जनाब, आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, काफ़ी टाइम लगा वीडियो अपलोड होने में, तो आज फाइनली वीडियो अपलोड हो चुकी है। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं आज आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग से इतर के बारे में बताऊँगा, एक ऐसी फ्रेगरेंस के बारे में बताऊँगा जो समर फ्रेगरेंसेज में शामिल होती है और बड़ी कूल फ्रेगरेंस है। और इसका नाम है ब्राउन लेटर। ब्राउन लेटर ये फ्रेगरेंस का नाम है। बड़ी ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है, फ्रेंच कैटेगरी में आती है, फ्रेंच टोन है इसकी, और कूल इसकी स्मेल है। इसके नोट्स के बारे में बात करते हैं, इसकी क्वालिटी, ड्यूरेशन, लॉन्ग लास्टिंग, देरपा है या नहीं, और सबसे मेन बात प्राइस, अफोर्डेबिलिटी जो होनी चाहिए, जो मक्की मदनी परफ्यूम पर आपको मिलती है वो मैटर करती है, और क्वालिटी मैटर करती है। फाइनली इसको विजुलाइज करवाएँगे आपको, कि आप विजुलाइज कर सकें इस फ्रेगरेंस को, कि ये फ्रेगरेंस कैसी है। कैमरे के थ्रू तो मैं नहीं बता सकता कि इसकी फ्रेगरेंस कैसी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अपनी वर्डिंग के थ्रू बता सकूं कि इसकी फ्रेगरेंस का कैसी है, और क्या 90% आप इस फ्रेगरेंस को जज कर पाएंगे मेरी वर्डिंग के थ्रू, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं कैमरे के थ्रू आपको फ्रेगरेंस चेक करवा सकूँ, तो ना ही कभी आएगी ऐसी टेक्नोलॉजी। सो गाइज, ब्राउन लेटर का जो नाम है, ब्राउन लेटर एक फ्रेंच नाम है, और ये टॉम फोर्ड की ये खुशबू है, इतर है, सेंट है, बड़ी ज़बरदस्त इसकी फ्रेगरेंस है। वेल, समर फ्रेगरेंसीज में कह सकते हैं कि ज़बरदस्त है, विंटर फ्रेगरेंसीज में मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि ये थोड़ी सी आ जाती है शार्प, तेज़ थोड़ी सी स्मेल है। और ब्राउन लेटर, जैसा कि मैं नाम बता चुका हूँ आपको, ब्राउन लेटर फ्रेंच नाम है एक, तो ये टॉम फोर्ड ने कंपनी ने बनाई है। सो गाइज, इसके नोट्स के बारे में बात करते हैं। इसका जो टॉप नोट आता है, टॉप नोट जो मैंने जो ही चेक किया, ये रब किया यूँ, टॉप नोट इसका जो मुझे डायरेक्टली आया वो है जी ऑरेंज, जिस तरह सिट्रस टाइप की सिट्रस स्मेल होती है वो इसके टॉप नोट में, फ्लोरल जिसे कहते हैं, फ्लोरल सेंट, वो इसके टॉप नोट है। बड़ी ज़बरदस्त कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पे ही इसकी बड़ी ज़बरदस्त टोन मिलती है सूंघने को, तो कमाल की फ्रेगरेंस। यकीन करें, ऐसी कोई फ्रेगरेंस नहीं है जो डायरेक्टली आप चेक करें और आपको पसंद आ जाए, लेकिन ये ब्राउन लेटर ऐसी फ्रेगरेंस है कि आप डायरेक्टली चेक करेंगे तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। इधर फ्रेगरेंसेज में ये नॉर्मली पसंद नहीं आती, क्योंकि बाहर ज़रा कूलनेस, वेदर जो है, वेदर आगे ही ठंडा होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो फ्रेगरेंस है ये सर्दियों में नॉर्मली पसंद नहीं आती, तो ये नॉर्मली हर बंदे को पसंद आती है गर्मियों में। तो टॉप नोट जो इसका है वो सिट्रस टाइप का है, थोड़ा सा शार्प है, शार्प नोट भी ऐसा है कि पसंद आ जाता है। तो ब्राउन लेटर का जो मिडल नोट आ जाता है, मिडल नोट इसका तकरीबन हो जाता है जी, जिस तरह ऑरेंज को मिक्स कर दिया जाए किसी लेमन में, लेमन में मिक्स कर दिया जाए, वैसी स्मेल इसकी बन जाती है ब्राउन लेटर की। माइंड को कलरफुल कर देती है ये स्मेल। ये आप देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन, ज़रा ब्राउन शेड में, ब्राउन लाइट कैटेगरी का इसका जो कलर है, शेड है इसकी, तो हल्की सी इसमें थिकनेस है, क्वालिटी इसकी बेटर है। कि बेस नोट की बात करते हैं, बेस नोट इसका जो आता है, आप टॉप नोट लगाएं, आगे मिडल नोट लगाएं, बेस नोट जो इसका बिल्कुल लाइट हो जाता है, खाली लेमन को अगर रब किया जाए, आपने अगर लेमन को स्मेल किया है तो वो स्मेल हो जाती है। साथ ही अगर संदल की स्मेल इसमें ऐड कर दी जाए, लेमन के साथ संदल, वुड, जो वुड का फ्लेवर होता है, लकड़ी का फ्लेवर, वो अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो वो इसकी स्मेल बन जाती है। तो टॉप नोट तो ग्रेट है, ये बेस नोट जो है वो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है, क्योंकि लाइट स्मेल हो जाती है, शार्प स्मेल नहीं रहती इसकी ब्राउन लेटर की। तो समर फ्रेगरेंसेस के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, और इसकी टोन्स अच्छी हैं। और अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए, ड्यूरेशन की बात की जाए, तो इसकी ड्यूरेशन बहुत ज़बरदस्त है ब्राउन लेटर की, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन है वो 48 आवर्स से अबव है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली अपने आप पे ट्राई की है, तो इसलिए मैं आपको इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि इसकी ड्यूरेशन ऐसी है। तो 48 आवर्स से अबव मेरे कपड़े पर ये मौजूद रही, मैं ये जानता हूँ। तो काफ़ी कस्टमर्स की भी ये राय होती है, जिनसे हम फीडबैक लेते हैं कि ब्राउन लेटर कैसी है, जो हमसे ले जा चुके हैं वो राय देते हैं हमें कि ये जी इसकी ड्यूरेशन ऐसी है वो, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं आपको जजमेंट होके कह रहा, तो मैं पर्सनली भी इसको ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन जो कस्टमर की राय होती है वो मैटर करती है।
तो मैं कस्टमर के फीडबैक आपको बता रहा हूँ। सो जनाब इसकी प्राइस भी बड़ी ज़बरदस्त है मक्की मन्नी परफ्यूम पे, मार्केट रेट से इसका रेट जो है वो नीचे होगा इंशाल्लाह, और क्वालिटी आपने खुद जज करनी है और आपने मुझे बताना है इसकी क्वालिटी। और वैसे भी इस पर 25% ऑफ है रमज़ान से पहले पहले, तकरीबन 14 अप्रैल तक इस पर है जी फ्लैट 25% ऑफ। तो आप इसे आके परचेजिंग कीजिए, कोई भी चीज़ आप मक्की मन्नी परफ्यूम से ले सकते हैं फ्लैट 25% ऑफ। उसके लिए आपको जाना पड़ना है इंस्टाग्राम, मक्की मन्नी परफ्यूम की इंस्टाग्राम की आईडी है ये सामने शो है, तो वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है वो भी आप चेक कीजिए, वहाँ पे जाके आपने डिस्काउंट कोड गेट करना है और वो आपने आके मक्की मन्नी परफ्यूम या जो सेकेंड ब्रांच है अलखैर परफ्यूम वहाँ पर आपने आके बताना है जी मक्की मन्नी परफ्यूम का डिस्काउंट कोड, तो वो आप जाके गेट कीजिए और यहाँ पे आप आके बता सकते हैं। सो जनाब ये थी ब्राउन लेटर, अगर खुशबू और वीडियो दोनों पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस मेक श्योर टू टैग योर फ्रेंड्स ताकि वो भी इस वीडियो के बारे में जान सकें, परफ्यूमरी के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव होता है ये चैनल, तो वो भी इस हवाले से जान सकें। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। और इसी तरह हम अमेजिंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। खुदा हाफिज़।